हाय गाइस, आज मैं आपको धनिए और दाल की एक अच्छी रेसिपी बनाना बताऊंगी आपको। जिस तरह हम अरबी की पत्ती की सब्ज़ी बना रहे थे बताए थे, उसी तरह हम हरी धनिया की बताएंगे। ये हरी धनिया है, ये 100 ग्राम है। आप इस दाल के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको मैंने धुल के इसका पानी सूखने के लिए रख दिया है। ये उड़द की दाल है। उड़द की दाल मैंने भिगो के रख दी थी, इसको ओवर नाइट भिगो के रखी थी। और अब इसको हम जो है पीस लेंगे। और ये चने की दाल है। अगर हम एक कटोरी चने की दाल ले रहे हैं तो 2 कटोरी उड़द की दाल लेंगे। एक कटोरी उड़द की दाल है, ये चने की दाल है, ये हमने भिगो लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे और दोनों पीस के फिर मिक्स कर लेंगे। धनिया को इसी में काट लेंगे। अभी आगे के प्रोसेसेस हम बताते हैं। हमने जो है दोनों दालों को पीस लिया है, ये चने की दाल है, ये उड़द की दाल है। अब इसको हम जो है एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमने धनिया को बारीक काट लिया है। अब ये धनिया हम इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके सादा ही पकौड़ी तल लेंगे हम, जो हमें सब्जी में डालनी है। और उस तरह से हमें पकौड़ी जो खाने के लिए, चाय के लिए, उसको भी बनाऊंगी मैं। पहले हम सादी से धनिया मिक्स करके बिना नमक के मैं टिक्किया बना लूँगी। उसके बाद जो है फिर ये मैंने प्याज काट के रखी हुई है एक, और हरी मिर्च 4-5 काटी हुई है, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो उसमें हम जो है ये मिक्स करके और नमक डाल के फिर पकौड़ी की तरह तल लेंगे। तो पहले हम जो है आपको इस तरह सादी पकौड़ी बना के बताते हैं। इस तरह से सादी हम पूरे धनिया को इसमें मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं हमने धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिया है। धनिया इतनी होनी चाहिए कि हमारी दाल एकदम इसी में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे। ये नहीं कि दाल को ज़्यादा है और धनिया थोड़ी सी है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस तरह से हम धनिया को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं दाल में। अब इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ना नमक ना मिर्चा, कुछ भी नहीं। इसी तरह सादी इसकी हम इस तरह से इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। इस तरह से और ये हमारा तेल जो है गरम हो रहा है, तो इसमें हम जो है इस पकौड़ियों को डाल के तल लेंगे। इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ डाल के इसमें हम तल लेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, ये सादी रहेगी। जो हमें नाश्ते में चाय के साथ खाने के लिए है, उसमें हम नमक और प्याज और मिर्चा डालेंगे। तो इस तरह से इसको हम सारे तल लेंगे जितनी हमें उसमें डालनी होगी हमारे कढ़ी में, उतना हम तल लेंगे। जिस हिसाब से आप चाहें, आपकी जिस हिसाब से फैमिली हो, उस हिसाब से आप करी में डालने के लिए इसको तल लीजिए। अब देख सकते हैं ये हमने जो है ये हमने तल ली है, जो बिना नमक के है सादी पकौड़ी। इसको हम जो सालन बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो भी हम आगे इसकी प्रोसेसेस बताएंगे। और ये जो है अब हम इसमें ये जो है एक कटी प्याज, हरी मिर्च, ये हम इसको इसमें डाल के, और नमक आप टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं एक टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके उसी तरह ही पकौड़ियाँ तलेंगे जिस तरह हमने बिना नमक के कर पा है। लेकिन यह है कि इसको हम थोड़ा ज़्यादा कुड़कुड़ी करेंगे। और चाय के साथ आप इसको खाइए, बहुत अच्छी लगती है पकौड़ी। ये नाश्ते में इसको खाइए आप बना के, जिस तरह से हमने वो पकौड़ी बनाई है। ये हमारी खाने वाली पकौड़ी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। इस तरह से आप छोटी बड़ी साइज जैसे कर सकते हैं। ये मैंने एक बड़ी की हुई है और छोटी साइज की। इसे आप चाय के साथ बना के, नाश्ते के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम अपने जो है तरी के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। ये जो है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें हम पानी डाल के भिगो देंगे, तब तक हम और चीज़ें तैयार करेंगे।
पैन में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल देंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। जब तेल गर्म हो जाए, अब इसमें हम जो है 1 पिंच हींग डाल देंगे। एक छोटी कटी प्याज डाल देंगे। जो है हमारी प्याज हो गई अच्छे से, अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अभी सारे मसाले अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ये हमारे से तेल छोड़ने लगेंगे, तब हम जो है इसमें थोड़ा सा, ये देख सकते हैं ये मसाला जो है हमारा जो है इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो है, ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी दाल रख ली थी उड़द और चने की, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, उसका जो है घोल बना के हमने रख लिया है। अब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको भी मसाले की तरह ही हम इसको भी अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे। जिस तरह हमने मसाला भूना है, उसी तरह हम इसको भी थोड़ा भूनेंगे। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसको इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से पानी डाल देंगे। अब हमारा सालन देख सकते हैं तैयार हो चुका है इस तरह से, न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है। अब इसमें हम सारी टिकिया डाल के, सारी पकौड़ियाँ डाल देंगे इस तरह से, और उसके बाद डालने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। इसी तरह सारी डालने के बाद 1 मिनट पकने, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको धनिया के पत्ते के साथ सजा के इस तरह से सर्व कीजिए और खाइए, चाहे चावल से चाहे रोटी से, बहुत टेस्टी बनता है। हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई रेसिपी के साथ आरजू किचन में। आपको मेरा चैनल पसंद आता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को, बटन को क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी मेरी नई डिश आती है तो आपको फिर से जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।